कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल आर ऑसम गाइस एंड योर फैमिली मेम्बर्स टू। गाइस टू वेलकम बैक टू माय वेरी ओन चैनल एंड माय सेल्फ हिमांशी पादया। गाइस सो गाइस इन टुडेज वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट सम वर्ड मीनिंग। मैं आपको कुछ इंग्लिश वर्ड बताऊंगी, उनके हिंदी मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी इन टुडेज वीडियो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का फर्स्ट वर्ड जो है वो हमारा इम्प्रोम्प्टू। इम्प्रोम्प्टू यानी कि IMPROMPTU। इम्प्रोम्प्टू मीन्स होता है जो काम हम बिना सोचे समझे कर देते हैं, पहले हमने कुछ सोचा नहीं, यानी कि पहले बिना सोचे समझे। तो सेकेंड हमारा वर्ड जो है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट सॉरी PERSISTENT। PERSISTENT परसिस्टेंट यानी कि दृढ़, यानी कि मजबूत इरादा, कुछ कुछ मजबूत हमारा दृढ़। ठीक है नेक्स्ट है हमारा परसिस्टेड। PERSISTED। PERSISTED यानी कि मौजूदा, जो उस टाइम पे मौजूद है। नेक्स्ट है हमारा अंदरूली। URLY अंदरूली। अंदरूली मीन्स होता है अनियंत्रित। अनियंत्रित यानी कि जिस पे हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है। ठीक है अंदरूनी। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल यानी कि HYPOTHETICAL। HYPOTHETICAL हाइपोथेटिकल यानी कि जो काल्पनिक होती है, यानी कि जो एक्चुअल में नहीं है लेकिन हम उसकी कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है नेक्स्ट है हमारा हिपोक्रेट। हिपोक्रेट यानी कि HYPOCRITE। HYPOCRITE हिपोक्रेट यानी कि पाखंडी। ये हिपोक्रेटिक पर्सन है यार, बोलते हैं ना वैसे, तो इसका मतलब होता है पाखंडी। ठीक है पाखंडी। नेक्स्ट हमारा जो है वो वैकेंट। वैकेंट VACANT। VACANT वैकेंट यानी कि इसका मतलब होता है खाली, यानी कि जो पूरा एम्प्टी है खाली। ठीक है गाइस। और नेक्स्ट है हमारा डिमोटेड। डिमोटेड DIMWITED। डिमोटेड। डिमोटेड मीन्स होता है सामान्य, कम समझ, जिसमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं होती उसे बोलते हैं डिमोटेड। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रिटी। INTEGRITY। INTEGRITY इंटीग्रिटी यानी कि ईमानदारी। ही विल डूइंग हिज वर्क विद हिज ऑल इंटीग्रिटी यानी कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा, उसे बोलते हैं इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है हमारा ईव टीजिंग। ईव टीजिंग इज द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट वर्ड विच इज़ रिलेटेड टू गर्ल्स। यानी कि ईव टीजिंग मतलब होता है यानी कि छेड़खानी। छेड़खानी ये लड़कियों के साथ होती है इसलिए मैंने बोला ये लड़कियों से ज़्यादा रिलेटेड है। ईव टीजिंग EVETASING टीजिंग यानी कि छेड़खानी। नेक्स्ट जो है हमारा वो है बीप। BEEP। बीप बीप यानी कि भोपू। ठीक है नेक्स्ट है हमारा स्नीक आउट। स्नीक आउट SNEAK। स्नीक OUT। आउट स्नीक आउट मीन्स होता है चुपके से बाहर जाना, ये चुपके से बाहर होना है ना, उसको बोलते हैं स्नीक आउट। तो हम कहीं चुपके से बाहर जाते तो हम बोलेंगे आई विल गो देयर स्नीक आउट। ओके नेक्स्ट है हमारा पॉलीगमी। POLYGAMY पॉलीगमी। POLYGAMY पॉलीगमी यानी कि बहुविवाह, यानी कि एक बंदा जो बहुत सारी शादियाँ करता है उसको बोलेंगे पॉलीगमी, यानी कि ही इज़ अ पर्सन हु इज़ पॉलीगमी। ये वो बंदा है जिसने बहुत सारी शादियाँ की हैं। नेक्स्ट है हमारा बाइगमी। बाइगमी BIGAMY। BIGAMY सॉरी BIGAMY बाइगमी। बाइगमी मीन्स होता है द्विविवाह, यानी कि कोई बंदा अगर दो शादियाँ करता है तो उसको बोलते हैं बाइगमी। BIGAMY ठीक है। इसके बाद है लोन वॉरियर। लोन वॉरियर। लोन वॉरियर वो बंदा होता है LONE LONE WARRIOR
आई वॉर, लोन वॉरियर यानी कि अकेला योद्धा, अकेला योद्धा, लोन वॉरियर, LONEWARRIOR, लोन वॉरियर यानी कि अकेला योद्धा, अकेला लड़ने वाला। नेक्स्ट है हमारा मतलब या ब्लैच, बर्फ यानी या ब्लैच, BURP या बर्फ यानी कि या फिर ब्लैच, BELCH, ब्लैच यानी कि डकार लेना। जब हम खाने के बाद कभी कभी ऊबर खा लेते हैं या फिर कभी कभी हम बिल्कुल हमारा पेट खाली होता है तो हम डकार लेते हैं, उसको बोलते हैं बर्फ, या BURP बर्फ, या फिर ब्लैच, BELCH ब्लैच। नेक्स्ट है हमारा क्रम्बल, CRUMBLE, क्रम्बल, CRUMBLE, क्रम्बल यानी कि टुकड़े टुकड़े, किसी चीज़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं इट इज़ क्रम्बल, ये टुकड़े टुकड़े हो जाए। नेक्स्ट है हमारा बिल्सक, BERSC की आर के, सॉरी बिल्सक यानी BERSC की, बिल्सक यानी कि निडर, ही सब बिल्सक पैन, वो निडर इंसान है। ठीक है, सो गाइस होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये वर्ड समझ में भी आए हो और आप इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें गाइस। सो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन इज़ टोटली योर्स गाइस, जस्ट राइट डाउन ऑन देयर कम। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।